छत्तीसगढ़ ले चलते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक गोष्ठी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पे पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से भी दिग्गज नेता इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ये एक परिचर्चा है जिसमें शिरकत की है, तो व्यापारियों उद्योगपतियों के साथ चर्चा की जाएगी और किस तरह से व्यापार को और ज्यादा सुगम बनाया जाए, उसमें किस तरह से ईज लाई जाए, इन तमाम चीजों को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें परिचर्चा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यक्रम में पहुंचे हैं व्यापारियों उद्योगपतियों के साथ। यहां पर खुली परिचर्चा है माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आप देख सकते हैं, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद है। लगातार चर्चा की जा रही है। स्वागत के लिए मैं श्री जीतेंद्र बलोदिया जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। योजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण के लिए हम सब प्रतीक्षित थे। आदरणीय राज्य अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश मुंडा जी,
कांग्रेस के कोषाध्यक्ष श्री राम गोपाल जी, छत्तीसगढ़ स्टील यूनियंस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ स्पंज आयोग के अध्यक्ष विजय जवर जी, कांग्रेस के महासचिव श्री गिरीश देवांगन जी, रायपुर की पूर्व महापौर श्रीमती किरणबेन नायक जी, भिलाई के उद्योग सचिव श्री वी के जैन जी, भिलाई कृषि उद्योग संघ के विजय गुप्ता जी, नरसिंह राव जी, अश्विन बैनर्जी, छत्तीसगढ़ मेटर रोड एसोसिएशन के अध्यक्ष उर्जी संधु जी, भाटापारा प्रदेश गोवा मुजुर्ग उत्पादक संघ नागपुर से पधारे, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ मेडिसिन के श्री विजय शर्मा जी, चेम्बर पत्रिका के पूर्ण संपादक श्री इनायत अली जी, चेम्बर के उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश जग्गी जी, जिला नेवला के अध्यक्ष दिनेश पंजवानी जी, उद्योगपति यूएन अग्रवाल जी, विकास बजाज जी, अनिल पटेलिया जी, चेम्बर के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष आनंद चोपड़ा जी, नगर निगम कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष अरुण दुबे जी एवं समस्त छत्तीसगढ़ के सभी प्रतिनिधि जो हमारे आग्रह को स्वीकार करके व्यापार उद्योग जगत के उपस्थित है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज परिवार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है और मैं आगे की कार्रवाई के लिए उद्योग चैम्बर के अध्यक्ष महेंद्र की जी से निवेदन करूंगा कि आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें। जय छत्तीसगढ़, जय व्यापार। मित्रों, आज की ये मैं बातचीत शुरू करूं उसके पहले मैं जो हमारे अध्यक्ष जी ने सारे मंच पर बैठे लोगों के नाम लिए मैं उसी को अनुरोध करता हूं ताकि कम से कम हम राजकीय महत्व का 5-7 मिनट बचा लेंगे। जब हमारे बीच प्रदेश का मुखिया होता है, हमारे 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ियों के परिवार का मुखिया होता है, तो उसका 1-1 मिनट 2.5 करोड़ मिनट के बराबर होता है। हम उनके आने का सम्मान करते हैं, उनके समय का सम्मान करते हैं और उनके समय का कैसे अधिकतम उपयोग हम कर सकें इसके लिए हम अगले कुछ मिनटों तक लगातार बहुत ही संक्षेप में अपनी बात करूंगा। आज छत्तीसगढ़ चैम्बर की तारीख में, इतिहास में, हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा दिन है और आज सोशल मीडिया पर ये भी एक न्यूज ट्रोल हो रही थी कि यह संभवतः देश के इतिहास में किसी भी चैम्बर के कार्यालय में उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के आने की पहली घटना। क्रिकेट की तरह राजनीति और समाज के क्षेत्रों में भी रिकॉर्ड बनते रहते हैं, जीवन रिकॉर्डों से चलता है, आगे बढ़ता है। मैं बात शुरू करता हूं। अभी 2014-19 को जो उद्योग नीति थी वो समाप्त होने के करीब आ गई और एक नई उद्योग नीति नई सरकार के साथ बनने जा रहे हैं। इस पर हम सब चैम्बर वाले लोग और सरकार ने बहुत सहृदयता से सभी लोगों को आमंत्रित किया कि वो बताएं कि वो क्या चाहते हैं उद्योगों के क्षेत्र में। जब हम गए और हमने अपनी बातें कही तो बातें बहुत ज्यादा थी और हमारे अध्यक्ष बड़ोदरा जी ने कहा कि आप अगर सारे व्यापारियों के बीच में आए तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपसे ये बात जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि 1 मिनट भी देर किए बिना मुख्यमंत्री जी ने इतनी सहृदयता से, इतनी सरलता से ये कह दिया कि मैं चैम्बर आऊंगा कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि हम मुख्यमंत्री से ही बात कर रहे हैं क्या, बट ये हुआ। तो अभी छत्तीसगढ़ के सामने, जो उद्योग जगत के सामने मुख्य रूप से बातें क्या है वो मैं शुरू करता हूँ। 7 राज्यों की सीमाएं हमारे चारों तरफ रखती है। 1200 मेगावाट हमारे पास बिजली थी जब ये 2000 नवंबर 1 के नक्शे में छत्तीसगढ़ प्रदेश बनता है तब, आज हमारे पास 14444 मेगावाट बिजली है। अगले 5 सालों में हमारा लक्ष्य 30,000 मेगावाट बिजली का है। हमारे प्रदेश में खनिज, कॉपर, कोल, एल्युमिनियम, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज और हीरा सब कुछ है। देश के लौह उत्पादन में हमारा शेयर 32% है, एल्युमिनियम में 30% है, टिन में 100% है, कोल में 18% है, सीमेंट में 15% है और हीरे में 12% हमारे छत्तीसगढ़ का शेयर है। भारत के सभी राज्यों में दूसरे नंबर पर हम हैं जो मिनरल प्रोड्यूस करते हैं राजस्थान के बाद। ऐसे प्रदेश की इंडस्ट्री के सामने भी क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। जब हमारे को मुख्यमंत्री ने लागापूर्वक समय दिया तो हमारे अध्यक्ष बड़ोदरा जी ने भी बड़ी उदारता दिखाई
और न सिर्फ चैंबर के बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापारिक एसोसिएशन से अनुरोध किया, यह अवसर है जब हमारी बिरादरी के बीच में प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं, जिस इंडस्ट्री की जो समस्याएं हैं वो हमें बताएं। लगभग 20 एसोसिएशन ने अपना प्रेजेंटेशन हमको लिख कर दिया और जिसका एक कंप्रेस कंबाइंड फॉर्मेट में हम आपके सामने थोड़ी सी बात करेंगे, बाकी डिटेल्स हम मुख्यमंत्री जी को सौंप देंगे। जो सबसे पहली समस्याएं हैं आज उद्योग के सामने वो है जमीन की समस्या। जो प्रेजेंटेशन हमारे सामने आया उसमें सबसे ज्यादा लोगों ने जिस चीज की तरफ इशारा किया वो था जमीन संबंधी। जमीन की समस्या इस तरह की है कि जो पुराने उद्योगों के सामने भी बहुत विकराल है। सीएसआईडीसी ने जितनी जमीनें अलॉट की है वो सब जमीनें लीज पर है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी इंडस्ट्री की जमीन भी लीज पर है। इन 40 सालों में दुनिया इतनी बदल गई जितनी पिछले 40,000 साल में नहीं बदली। इंटरनेट आने के बाद हम एक ग्लोबल टाउन बन चुके हैं, सारे बिजनेस के टूल्स टेक्निक्स बदल चुकी है, लेकिन लीज के हमारे कॉन्ट्रैक्ट आज भी पहले जैसे हैं। हमारा शहर पसर कर हमारे उद्योग क्षेत्रों को पार करके उससे भी बहुत आगे निकल गया। अब नगर निगम भी वहां पहुंच गया है, सीएसआईटीसी भी बनी है, वो लीज रेट मांग रही है और नगर निगम भी अपना रिवेन्यू मांग रहा है। उद्योगपति की क्या स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं है। ऐसी स्थिति में देश के कई राज्यों ने व्यवस्था की है कि जिस उद्योग को चलते 10 साल हो गए हैं और वो वही उद्योग को आगे चलाना चाहता है उसको फ्री होल्ड में वो जमीन दे दी जाए। इससे फायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फायदा आज हम जितनी भी बातें करेंगे वो उद्योग के साथ साथ हमारे राज्य को, राज्य सरकार को क्या फायदा होने वाला है इसके साथ करेंगे। अब तक हमेशा हमारे साथ ऐसा होता था कि हम खड़े होते थे, हम कहते थे अभी इतनी छूट दे दो, इसे सब्सिडी दे दो। आज हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। आज हम इस तरह से बात करेंगे कि अगर हम कोई भी बात आज मान रहे हैं तो क्या इससे राज्य सरकार का एक भी रुपया लगेगा या इसको राज्य सरकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हम उनकी जगह खड़े होकर सुनकर पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करेंगे। तो कर्नाटक और 5-6 स्टेट में ऐसी व्यवस्था कर दी है कि 10 साल से पुरानी इंडस्ट्री की जमीन को फ्री होल्ड कर दिया जाए, जिससे सरकार को फायदा ये होगा अरबों रुपए सबसे पहले रजिस्ट्री के रूप में मिल जाएंगे। उसके बाद वो जमीन का क्रय विक्रय शुरू होगा, हर बार रजिस्ट्री में सरकार को रिवेन्यू आएगी, बैंकों में कैलेट्रॉल के रूप में वो जमीन का उद्योगपति उपयोग कर सकेगा, इसलिए एनपीए की समस्या नहीं आएगी। और इस नीति के कारण बहुत से नए उद्योग लगेंगे क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बहुत सारी जमीन पैचेस निकल कर बाहर आ जाएंगे, जिससे दूसरे प्रदेशों के उद्योगपति जो यहाँ आना चाहते हैं वो भी आएंगे और राज्य का इसमें आय बढ़ेगी। दूसरी बात है कि इंडस्ट्रियल टाउन, टाउनशिप है, ग्रोथ सेंटर है और नगर निगम है, ये तीनों को अलग अलग रखना चाहिए ऐसा यहाँ हमारा भारत का संविधान कहता है। धारा 243 QA में ये स्पष्ट निर्देश है कि इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में ट्रीट करना चाहिए। तीसरी जमीन संबंधी जो प्रॉब्लम है उद्योगपतियों के सामने वो है डायवर्सन की, बहुत प्रक्रिया जटिल है जिसके कारण बहुत सारे लोग निरुत्साहित हो जाते हैं कि कृषि भूमि डायवर्ट ही नहीं हो पा रही है एक एक साल तक। और एक साल में तो दुनिया इतनी तेज है कि जिस प्रोडक्ट को हम लगाने के बारे में सोचते हैं पता लगा कि अब वो फिजिबल नहीं रहा। अगर एक बार उद्योग लग गया तो उद्योगपति फिर जीवन भर मेहनत करके उस पर हल चला के उसको सक्सेस करता है, लेकिन अगर नहीं लगाया तो जल्दी से बाहर आ जाता है। इसलिए एक महीने की डायवर्सन की समय सीमा होनी चाहिए कि उसमें भूमि को डायवर्ट करके उद्योगपति को देना चाहिए। दूसरा जो हमारा पॉइंट है जमीन के अलावा वो है ईज डूइंग ऑफ बिजनेस। पूरी दुनिया में इस पर बड़ी बातें हो रही है। पूरी दुनिया के इस वक्त पिछले 10-15 सालों में हर देश के राष्ट्राध्यक्ष हर एक दो महीने में मिल रहे हैं और यही बातचीत करते हैं कि कैसे आपस में बिजनेस बढ़ाया जाए। जैसे बिना बिजनेस के अब दुनिया चलनी बहुत मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर देश की जो इकोनॉमी है वो अपने स्विचिंग फेज में गुजर रही है। दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी को भी चिंता है। आप देखते हैं ट्रंप रोज कहते हैं कि मुझे अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मेरी इकोनॉमी 3% ग्रोथ रेट पर है और मुझे उसको 5 पर ले जाना है। और दुनिया के करीब सबसे गरीब देश के सामने भी इस पर कोई समस्या है। तो ऐसे समय में जो सरकार की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए उस सरकार को चलाने के लिए वो ईज डूइंग ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में लगभग 2,500 कानूनों को खत्म कर दिया, ये कानून उस समय बने थे जब इस देश को 200 साल तक अंग्रेजों ने रूल किया
उन्होंने इस तरह से कानून बनाए जिससे वो हम पर शासन कर सके। अब उनको गए 70 साल हो गए, कानून अभी भी बनी के बनी थी। ऐसे 2500 कानूनों को हटाया गया है। हमने थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो हमारे सामने लगभग 450 कानून ऐसे आए जिसको प्रदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अननेसेसरी फायदों को घुमा रहे हैं और उससे कोई प्रोडक्टिव एडवांटेज न जनता को हो रहा है न सरकार को हो रहा है और विभाग भी बहुत परेशान है। तो ईज डूइंग ऑफ बिजनेस के लिए हमको सबसे पहले ऐसे गैर जरूरी सारे कानूनों को रिसर्च करके खत्म कर देना चाहिए। एकल खिड़की प्रणाली, ये चाइना का मॉडल है। आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा, आप जैसे बहुत सारे लोग चाइना जाते होंगे लेकिन आपको ये नहीं पता कि वहां कोई इंडस्ट्री कैसे स्टार्ट करता है। वहां पर जैसे कि मेरे जैसा कोई आदमी सोचे मुझे उद्योग लगाना है तो वो हिंदुस्तान की तरह ये नहीं सोचता कि कौन सा व्यापार चलेगा, कहाँ जमीन लूं, किस प्रदेश में ठीक है, कौन से बैंक से कर्जा लूं। वो सिर्फ इंडस्ट्री ऑफिस दफ्तर में जाता है, कहता है मुझे इंडस्ट्री करनी है, यहाँ से चाइना की सरकार काम शुरू करती है। वो उसको 20 तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट देती है कि ये प्रोजेक्ट अभी चल सकते हैं, जमीन दिखाती है, जमीन पसंद कराती है, शेड बनाती है, बिजली का कनेक्शन देती है, बैंक से फाइनेंस कराती है और माल बनने के बाद पूरी दुनिया में बेचने की जगह खा करती है। तब चाइना 20 साल में पूरी दुनिया को धकेल कर सबसे अधिक मल्टी में आके खड़ा होता है। और इसके बाद अगर इंडस्ट्री नहीं चलती है तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो खुद उसको एक्वायर कर लेती है और नया प्रोजेक्ट उसके हाथ में देती है। उनका रिसर्च का कमाल देखिए कि हमारे यहाँ पितृपक्ष अभी आने वाले हैं, इसमें गांवों के मॉडल दिखते हैं बाजार में, वो चाइना से आ रहे हैं। हमारे यहाँ भी गणेश चल रहे हैं 11 दिन, सिर्फ ये मूर्ति बिकती है 3 दिन। वो मूर्ति जितनी हिंदुस्तान में हमें नहीं बनती उससे 4 गुनी चाइना से आ रही है। उनका रिसर्च देखिए कि किस तरह वो मार्केट रिसर्च करके अब उन्होंने लोगों को बताया कि आप गणेश की मूर्ति बनाओ। मेरे गांव का कोई आदमी, कोई किसान, कोई उद्यमी कैसे हिम्मत कर सकता है कि मैं इंडोनेशिया में 11 दिन बिकने वाली कोई चीज बना लूं। हम तो इतने डरे हुए लोग हो गए हैं कि जो बाल्टी, मक्का, आलू चिप्स, टॉर्च, तेल जैसी रोजमर्रा की बिकने वाली चीजें बनाने से डरते हैं कि क्या पता चाइना से कम रेट में बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। इसलिए एकल खिड़की जैसी पद्धति हमको लानी हमारी बहुत पहली आवश्यकता है जिसके कारण हम बिजनेस को आगे बढ़ा सके। और एक बात, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकारें खर्च करती है, सिस्टम खरीदती है एकदम हाईटेक, लेकिन हमारे पास जो अमला है वो 1970, 1980, 1990 का भर्ती हुआ अमला है। उस अमले की ट्रेनिंग के लिए कोई काम नहीं होता। तो ट्रेनिंग के बहुत सारे हमको रेगुलर एटलीस्ट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में तो ट्रेनिंग का प्रोग्राम लगातार होना चाहिए ताकि वो नए बिजनेस मॉड्यूल की बातों को समझ सके। ये ट्रेनिंग और सेमिनार हमारे व्यापारियों के लिए भी होने चाहिए। व्यापारी खुद कितना रिसर्च करेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सरकार की तरफ से अगर बार बार सेमिनार हो और सारे व्यापारी यहाँ आए, देश और दुनिया के एक्सपर्ट आके बताएं कि ये चीज बनाने से, ये छत्तीसगढ़ में करने से इतने कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इतना फायदा हो सकता है, तो शायद हम में से बहुत सारे लोग और हमारे गांव में बैठे हुए तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर बहुत सारे लोग आगे आकर व्यापार करने के लिए सोच पाएंगे। अदरवाइज तो सब व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहे हैं और अखबार को पलट रहे हैं, वहां से कुछ भेजने का है तो कुछ कर सकते हैं। जस्ट वेस्टिंग टाइम एंड लाइफ। तीसरी बात है कि दुर्घटना किसी के इंडस्ट्री में हो ऐसा कोई नहीं चाहता, लेकिन जब कभी भी कोई इंडस्ट्री में दुर्घटना होती है तो पुलिस और तमाम डिपार्टमेंट उस उद्योगपति को कटघरे में खड़े कर देते हैं कि जैसे उसके लिए दुर्घटना कराई जाएगी। ये एक बहुत ही डिस्करेजिंग चीज है। खोजबीन होनी चाहिए, डिपार्टमेंट को सहयोग करना चाहिए कि दुर्घटना कैसे हो गई और फिर अगर हमारा कोई भाई जिम्मेदार है तो कानून अपना काम करे, उसमें हम कोई एजुकेशन नहीं करना चाहते। केंद्र ने एक लघु उद्योग बोर्ड बनाया है पर केंद्र का बोर्ड स्टेट तक पहुंच ही नहीं पाता है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक राज्य लघु उद्योग बोर्ड बनाए जो ग्राम स्तर पर, तहसील स्तर पर सर्वे करके पता लगाए कि हम कौन सी इंडस्ट्री चला सकते हैं। मतलब मान लीजिए चांपा है जहां कोसा सिल्क बनता है, तो अगर एक राज्य लघु उद्योग बोर्ड होगा तो कोशिश करेगा कि हमने पिछले 25 साल में कितना कोसा बनाया और अगले 5 साल में हम कैसे 20 गुना कोसा बना सकते हैं। नगरी का चावल है, ऐसी बहुत सारी गैर योजनाएं हैं हमारे यहाँ, इससे रिलेटेड इंडस्ट्री लगाने के लिए राज्य उद्योग बोर्ड की रचना होनी चाहिए।
हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट है वो हाईएस्ट डोमेस्टिक ट्रैफिक एयरपोर्ट का उसको अवार्ड मिलता है पिछले साल, लेकिन पता नहीं क्यों वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अभी तक नहीं है। आज हमसे बहुत पिछड़ा राज्य झारखंड का जो एयरपोर्ट है रांची, वो कस्टम कार्गो एयरपोर्ट बन चुका है। एक कस्टम कार्गो एयरपोर्ट भी बनाने से लगभग रायपुर जैसे शहर और छत्तीसगढ़ में 3 से 5 हजार करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा रेवेन्यू स्टेट को आ सकती है और कम से कम हजारों लोगों को इसके कारण रोजगार मिल सकता है, व्यापार आसान हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कार्गो एयरपोर्ट के लिए हमको जरूर कोशिश करनी चाहिए। एक और स्कीम आई है सबका विश्वास। जीएसटी आने के पहले केंद्रीय सरकार का जो कर था सेंट्रल एक्साइज या और भी 20-25 तरह के सेल थे, उसमें जिस भी व्यापारी का जितना भी एरियर बाकी था उसको वो 30 से लेकर 70% तक सेटलमेंट कर रहे हैं। उनका अनुमान है कि वो सेटलमेंट अगर स्कीम उनकी कामयाब हो गई तो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में आ जाएंगे, विभाग का काम खत्म हो जाएगा। व्यापारी रात को अच्छी नींद सोएगा तो सुबह कुछ और करने के बारे में सोचेगा, कमाऊ वरना परेशान है इन चीजों में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी प्रार्थना ये है कि वैट के भी ऐसे बहुत सारे केस पेंडिंग है और अब जीएसटी आ चुका है, हजारों करोड़ रुपए के जो टैक्स के हमारे रिफंड है या हजारों करोड़ की जो रेवेन्यू सरकार को मिली फाइलों पर अटकी पड़ी है और इतना काम है कि कौन उन फाइलों को एड्रेस करेगा। तो अगर कोई एक ऐसा सबका विश्वास जैसा कोई हम एक स्कीम लाए और वैट के पुराने सारे केस को अगर खत्म कर दें तो बहुत सारी इनकम राज्य सरकार को जाएगी और हमारा व्यापारी फ्री होकर फ्रेश मूड से नया काम करने के लिए आगे सर आप आपके सामने मैं और ये उद्योगों का दर्जा, पर्यावरण, निर्यात, विक्रय और पर्यटन इसके संबंध में थोड़ी थोड़ी सी बात और करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका ज्यादा समय न लूं, ज्यादा हम आपको सुनना चाहते हैं, प्रदेश में घर से लोग आए आपको सुनने के लिए कि आज आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज आप जो कहेंगे वो सिर्फ आज आपका कहना नहीं होगा, आपका कहने से पूरे प्रदेश में पूरी मशीनरी को पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक संदेश जाता है कि व्यापारी के साथ किस तरह व्यापारी को किस तरह सहयोग करना है। मुख्यमंत्री कुछ भी बोलता है जो राष्ट्रीय महत्व का होता है तो सब आपको सुनना चाहते हैं। कृषि आधारित उद्योगों को एक विशेष प्रयास करके विशेष दर्जा देना चाहिए, जैसे कि हम धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आप कोई भी साइट जब खोलते हैं तो सबसे पहला कहें कि द राइस बॉल ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट, हम धान का कटोरा है। धान के कटोरे से संबंधित हमारे पहली है राइस मिले, लेकिन राइस मिलों में भी बहुत सारे पुराने कानूनी अड़चने हैं और उनको एज ए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अभी भी ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो उसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए क्योंकि राइस दुनिया का सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 80% लोग राइस पर डिपेंड हैं। तो अगर हम राइस को और बहुत इस तरह से सोचें कि कैसे हम इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं मिडिल ईस्ट और एशियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में जो हमारे से ट्रांसपोर्टिंग के लिए बहुत पास में है, तो हम राइस को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। राइस में बहुत सी वैरायटी है, हमारे यहाँ तो इतनी वैरायटी है राइस की, बस्तर में एक ब्लैक राइस होता है, अगर आप अभी गूगल करेंगे तो लोग कहते हैं कि वो दुनिया में एकमात्र ब्लैक राइस हो रहा है, और आप थोड़ा सा उसको और पढ़ेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये उस समय का राइस है जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक जमीन का हिस्सा टूटकर और सागर से बहकर आकर बस्तर से कनेक्ट हो गया, उस समय की जो ट्राइबल कल्चर थी जो आज तक जिंदा है अफ्रीकन ट्राइबल कल्चर।